आपने मुझे नशा करा हुआ देख लिया, देख लिया ना सर। इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन आउट हो गया, इस बेसिक हो गया। आया तो पैसे कमा नहीं पाया, इस टेंशन में मैंने ड्रग्स यूज किया। इंसान की आत्मा मरने के बाद ना ना फ्यूचर, आई एम लास्ट स्टेप, गॉड इज नॉट गिव मी डाई। बहुत दुखी हो चुका हूँ मैं जमुना में भी कूद गया हूँ, बस अड्डे नहीं है, जाली लगा हुआ है उसके ऊपर से भी कूद गया, फिर भी मैं नहीं मरा। नशा तो खुला ही चलता है जी, 8 साल की उम्र से आप ले लो, 17 साल की उम्र तक के बच्चे तो यहाँ पर ऐसा नशा करते हैं जो नशा बाहर बड़े ही जनरेशन, जो बड़े जनरेशन के बंदे तो वही करते होंगे। तो पैसे कहाँ से लाते हैं? पैसे जी कबाड़े का काम करते हैं। अब कबाड़े काम में कोई 150 कमा ले रहा है, कोई 200 कमा ले रहा है, कोई 250 कमा ले रहा है, 50 रुपए का गांजा जाता है, स्मैक जो पीता है वो 200 रुपए का स्मैक ला के पीता है। छोड़ने चाहते हैं बस छूटते नहीं उनसे। हाँ लेकिन क्या मतलब, क्यों आपने क्यों लेना शुरू किया? ये बस दोस्त यार ने पकड़ा दिया मुझे। अच्छा कितने सालों से ले रहे हैं? ये 3 साल हो गए। आपकी उम्र कितना है? 22 है। 22 साल है। हाँ सब लेते हैं आप? हाँ छोड़ना चाहते हैं? हाँ छोड़ना चाहते हैं, कबाड़ा बिनता मोहल्ला करते हैं। अच्छा हाँ कितना कमा लेते हैं? ये 300-400 रुपए काम करते वही नशे में चले जाते हैं। 300 रुपए सभी नशे में चले? हाँ सब नशे में चले जाते हैं सर। ये नौजवान नशे की गिरफ्त में है, उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है और हम क्या पूछने वाले हैं। छोड़ना चाह रहे हैं आप? छोड़ना तो बहुत कोशिश भी करा, ऐसा तो एक ही बार में तो ये है, ये वो सिरिंज है। हाँ किसी को दिखाइए थोड़ा हमको, ये वाला। अच्छा तो कोशिश कर रहे हैं आप छोड़ने के लिए? 8-9 साल के थे जब से लेने तब से। अब अभी आपका उम्र कितना है? उम्र है 25। ये देखिए यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो यहाँ बैठ के नशा कर रहे थे, ये देखिए सिरिंज है, ये अगर वो दिखाए थोड़ा सा क्लोजअप शॉट्स दे, ये सिरिंज है और ये सब देखिए कितना बटल है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसी नशा लोग यहीं आकर करते हैं और यहीं पे सब बटल डाल के जाते हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आसपास में जो पार्क है उसी पार्क में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, शाम को बच्चे भी हैं और उनके साथ साथ और भी लोग आते हैं जहाँ पर यहाँ नशा करने का। 70 साल की महिला अपने दोनों बच्चों के ड्रग्स लेने से परेशान है, पैसा नहीं होता है तो घर का सामान बेच देते हैं। अभी मेरा 2 लड़का जो है वो ज्यादा नशा भी पीता, फ्रूट भी पीता और घर में लड़ाई खूब करता। दोनों है, उनका उम्र कितना है? एक का है 19, एक का है 23, 27-28 हो गए। 19 साल जिसका मतलब उम्र है, इसका मतलब 7-8 साल में वो हाँ। नशा खाना, नशा लेना शुरू हाँ, 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 इतना छोटा सा। Children using substances and drugs can be seen on the streets and in neighborhood parks in many parts of the capital. According to a survey by the Department of Women and Child Development, Delhi government, around 25,000 street children were abusing drugs and substances. The number would go up if school-going children are included. Experts say the age of initiation into drugs is getting younger. For example, 6-year-old Firoz, not his real name, who has not yet lost his baby lisp. My brother was a kid, and my brother was a kid. Did you like it to do it? No. Did you like it? Why did you do it? His brother is 8. The family is poor. While the father is disabled and unable to earn, their mother has a small tea stall. नशा करने लग गए। स्मैक मेरे दोस्त का भी चला था। पैसा सब लोग आधे आधे मिलाते, 25 रुपए मम्मी से लेता, 25 रुपए चोरी करते। बीड़ी फिर रुमाल वाला, फिर उसके बाद गांजा।
he would get up, maybe he's in the park in the night or under a flyover, he would get up and the first thing he does is not a cup of tea or coffee and breakfast as we all do, but he would pick up his bag and start moving. He collects dump, yeah, old paper, plastic, iron, whatever he can get his hands on. First sort of junk dealer he comes across or reaches, he sells his stuff, gets whatever little money he can, and goes and buys his first fix for the morning. His money, कोई बात नहीं तो नहीं और पीछे साफ कर थोड़ा kind of support that they are to each other. It's amazing. Other than sharing drugs, they share everything. They're a written off population. They're a totally written off population. Yeah. So it doesn't matter to anyone whether they're dying or not. Yeah. So you actually sometimes in your mind think, should I really help this man to treat tuberculosis? Or let him die? Because he's going to die anyway, you know. I mean, you get that thought sometimes because I think it's part of the frustration that you sort of live with. And it's always a challenge. I mean, every day is a challenge. Every day is a challenge, you know. You can't say, wow, today's been good for clients. Nah. ये कौन लेके आया पहले बताया क्या जो भी है लेके आया कौन क्या है क्या सामान है तूने हाथ कर लेके आया कौन हाथ कर दिया कौन लेके आया अरे पीछे रखा माल डांडा ना पीछे रखा ये हवा से उड़ के आ गया मोटा अपना यह बदल दे ऐसा काम मत कर बाबू मत कर फिर तो गाली दे रहा है फिर तो गाली दे रहा है ये उड़ के आ गया तो अपने दिमाग से सोच तू पकड़ तू पकड़ क्या बोल रहा है ए जाइया पकड़ खत्म कर जा भाई साले चतना ये बाबू ये तो बोल रहा कमजोर आदमी ये तो बोल रहा जाओ पीछे रखा मैं एक सेकंड में उठा लिया Obviously, I see other people, well, they look better. They seem to be doing much better than me. Yeah. This guy has a car, he has a scooter, he has a bike. I have absolutely nothing. Absolutely nothing. It's all dark. What the hell am I supposed to do with my life, yeah? And I think for any of us, whether it's a street-based drug user or a non-drug user, it's very hard to survive in this world when you're all by yourself. Because they've been totally destroyed physically, medically, emotionally, you know, they've been totally finished. So these are the kind of guys you can't forget them. You can't forget them. They will never go away from your lives, you know. And you will always do what you can. Anup's mother worked as a helper in a nursery school. Worried about her children, she has now given up her job. Uska picha main karti rahi jab se main suni aur us school mein mereko madam ne bhi boli हमको दुख भी हुआ को कि हमने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा था क्या हो गया जब वो बेटा ऐसा कर जाए तो माँ बाप के ऊपर क्या हो जाती है वो तो आप जो माँ होगी वो बाप होगा वो समझ सकता है उस बात को मैं स्कूल जाता था मतलब जैसे पहला पीरियड लगाया दूसरा पीरियड लगाया थर्ड पीरियड में चले जाते थे कभी बाहर कभी पूरा स्कूल फुल लगाया फिर कम फिर बंक मारने लगे एक दो दिन It's a shame for us as a society, as a civil society, it's a shame because if we cannot protect a child of 5 or 6 years, then what we are going to protect?
because they are the future and they have to live another 80 years. So this individual will be, you know, a problem for himself, for his family, for future generation. So something is drastically wrong. Another important factor, majority of the schools in Delhi, they are in two shifts. First shift for girls, second shift for boys. Now what they do from 7 o'clock or 8 o'clock till 1 o'clock? There's no neighborhood monitoring of these kids. And then what will happen to girls? After 1 o'clock, there's no one around. So these are all the, you know, big challenges for a, you know, urban city like Delhi, where state mechanism doesn't exist. Anganwadi is over by 1 o'clock. There's no support at the school because the counselors are not appointed. There's no support at the local community because, you know, all these support services are not available. If the families are interested, you know, taking them to a treatment center, most of the treatment centers are very expensive. For the first time, significant steps are now being taken to acknowledge and deal with the problem. The Delhi government has provided space for 3-day addiction centers for children. The centers, the first of their kind in the country, are run by SPYM, an NGO. One of them is for juveniles in conflict with the law. Equally important are 2 recently opened the addiction centers for children who have not been associated with crime. There are 80 children between the ages of 5 and 18 at the facility for boys and 7 at the facility for girls. Early intervention is key as the success rate is high. Children who've used drugs for as long as 2 or 3 years need a greater investment of resources. They're also at risk for being involved in deviant behavior and crime. Children are sent to the centers by child welfare committees to rid them of their drug habit. The services are free of cost to the parents. Typically, children stay for a period of 3 months or more and receive counseling to help them stay away from drug use. They are also provided literacy and vocational skills for long-term rehabilitation. Another positive development is the setting up of juvenile de-addiction wards in the capital. 60 beds in 6 government hospitals are now dedicated to juvenile de-addiction. Delhi's first juvenile de-addiction center was opened at the Madan Mohan Malviya Hospital in March last year. In the last 15 months, the hospital has treated 106 children. Children from SPYM's addiction centers are admitted to the hospital ward first for detoxification and treatment of any comorbidities like TB, HIV, breathing problems and malnutrition. When the child comes here, we de-addict the child by the psychiatrist. There is a psychiatrist here, there is a senior resident also here. They do the de-addiction first. If they examine if their patient has some other comorbidities, general medical examination is done, and if there is any problem with the child, that is also taken care of because this is a multi-speciality hospital. My name is Mohammed Shakib, I am 32 years old. My name is Asim, I am 38 years old. It started in the beginning, but someone deliberately, slowly, cigarette, started to drink. वो फिर पीरियड इतना ज़्यादा हो गया कि वो ब्लड में मिक्स हो गया, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने लगी, उसके बाद खुद पीने लगे। मैं सिलाई का काम करता था तो मुझे नहीं पता था ये ड्रग्स क्या है, तो एक आदमी बाथरूम में पी रहा था। नाम मेरा मेहदी हसन है, सन ऑफ नन्ने खां, एज मेरी 64 ईयर्स। मैं भी इसका देखूँ ऐसा कैसा होता है, तो कहने लगे कि वसीम ऐसा है, ये एक बार लग जाती है तो दोबारा छूटती नहीं है। मैं कहा भाई ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि छूटे ना। शुरू में पता नहीं चलता, बहुत कम क्वांटिटी में लेते 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 लेते, अब मुझे तो पता है कि कितनी डोज पे क्या असर होगा आप पे, तो मैं अगर आपको चाहूँ ना तो बहुत धीरे धीरे करके ला सकता हूँ, आपको पता नहीं चले। तो मैंने पिया तो फिर तो ये बात सच्ची है, एक बार लग जाती तो छूटती नहीं। बस शुरू का एक दोस्त था, बस वो करता था, वो उससे जो ना शौक शौक में एक सिगरेट मैंने पी ली, सिगरेट पीने के बाद में मुझे उल्टियाँ वगैरह हो गई, उसके बावजूद फिर लगी गई वो, फिर हैबिट हो गई फिर मेरे को। नशा मुझे लगा था 1999 में और ये छूटा है सन 2011 में।
ये मैं फाइनल ईयर में था तो जब लगी थी ये 7 साल हो गए लगभग। फिर मेरे को कम से कम 30 ईयर्स हो गए। पैसे तो पहले कुल अपनी सेविंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई, फिर धीरे धीरे मम्मी पापा से लिए वो कब तक चलता, फिर यारों दोस्तों से थोड़े लिए, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड तक हो सकता है, हमेशा तो नहीं हो सकता। सिलाई का काम करता था, सिलाई का कारीगर हूँ मैं, पैंट शर्ट सिलता था तो उस हिसाब से काम पैसे कमाता था। जब मुझे नशा लग गया तो वो काम भी छूट गया मेरा, फिर मैं रिक्शा भी चलाया, उल्टे सीधे काम भी किए। मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी एक्सपोर्ट की 1977-78 में, जिस पीरियड में बाढ़ आई थी उस टाइम से लग गई है। वो फैक्ट्री भी बर्बाद कर दी, यहाँ पे एक मकान था वो भी बेच दिया, 2 ऑटो थी मेरी वो भी सब कुछ मतलब बिगड़ गया, फैमिली पूरा परिवार बिगड़ गया। गलत काम ये होता था कि चोरी कर लिया या फिर कहीं जेब तलाशी पर चला गया, तो धीरे धीरे फिर समझ में ये आया कि ये छोड़ो, गलत काम कर नहीं सकते, कोई गलत जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी रहे नहीं, ना ऐसे कोई दोस्त, तो छोड़ दिया। छोड़ने पे तो दर्द होता है और बहुत मुसीबत होती है, आँख से आंसू आते हैं, पिंडलियों में दर्द होते हैं, ये अभी हाथ हाथ में मतलब इंसान फिर वो काम नहीं कर पाता। तकलीफ मत पूछिए सर, तकलीफ क्या क्या होता है, एक नहीं होती बहुत होती है, कुछ कर नहीं सकते, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, पैरों में होल बॉडी में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, ताकत नहीं लगती बिल्कुल भी, स्नीजिंग बहुत होती है, छींक आती है बहुत। मैं यहाँ से कम 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ ये नशा मुक्ति के लिए, की वजह से नशा करता था मैं, नशा तो नशा यहाँ से छोड़ दिया है, टेबलेट वगैरह लेता हूँ, टेबलेट वगैरह की उससे छोड़ दिया है। बहुत मुश्किल होती है लेकिन ये जो दवाई है ये उसको रिकवर कर देती है, वो तकलीफ जो होती है मैं इसके बाद में वो नहीं होती। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है, अपने आप को आप मजबूती के साथ कर सकते हैं तो छोड़ देंगे इस दवाई के थ्रू, बगैर दवाई के। अब तो मुझे सही लगता है, अब तो मैं काम कर रहा हूँ, अपना 2 पैसे भी कमा रहा हूँ, फैमिली में भी दे रहा हूँ, परिवार भी खुश है, खुद भी खुश है। अब मैंने छोड़ रखा है तो मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, दिहाड़ी पे भी चलाता हूँ, सड़क भी खोदता हूँ, मतलब हर काम कर लेता हूँ मैं। बहुत मुश्किल है छोड़ना, बल्कि छोड़ना आसान है, छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। वो जो पीरियड है ना वो एक एक दिन एक एक साल सा गुजरता है, कहीं मन नहीं लगता किसी काम में, छोड़े रखना बहुत मुश्किल है।